दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गन्ने की फसल में लगने वाले कीटों के बारे में। दोस्तों गन्ने की फसल में आमतौर पर कोई अधिक नुकसान पहुंचाता है तो वो है कीट, क्योंकि कीट हैं जो पूरी तरह से फसल को बर्बाद कर देते हैं, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो बात करें गन्ने की फसल में लगने वाले कीटों के बारे में, तो गन्ने की फसल में बहुत सारे कीटों का अटैक होता है, जैसे कि जड़बेदक, तनाबेदक, चोटीबेदक, दीमक, गिड़ार, सुंडी, माहू कीट, ये सभी प्रकार के कीट होते हैं, वो गन्ने की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में किसान भाई करता क्या है कि वो अपनी सारी समस्याओं को लेकर दुकानदार के पास जाता है और दुकानदार अपने लोभ के कारण उसे सस्ती दवा प्रोवाइड कर देता है, जिससे कि किसान अपने खेत में स्प्रे कर देता है, लेकिन उसको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते हैं और जो कीड़े मकोड़े हैं वो फसल के अंदर जैसे कि तैसे बने रहते हैं, वो खत्म नहीं होते हैं। तो दोस्तों हम आपके लिए ऐसी बेहतरीन दवा को लेकर आए हैं, एक ही दवा से आप गन्ने की सारी समस्या हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। दोस्तों इसके लिए आपको इन सारी दवाओं को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ एक दवा का इस्तेमाल करना है। तो हम बात कर रहे हैं सेजेंटा कंपनी की वॉल्यूम फ्लेक्सी दवा के बारे में। यह दवा दोहरी कीटनाशक होने के कारण बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट हैं। बहुत से किसान भाई इस दवा का प्रयोग गन्ने की फसल के अंदर करते हैं और शानदार रिजल्ट देखने को मिलते हैं। बात करें इस दवा के अंदर मिलने वाले केमिकल की, तो इसमें दो प्रकार के केमिकल होते हैं, थायोमेथोक्सम 17.5 और क्लोराट्रिनिप्रोल 8.5 जो केमिकल होते हैं, वो दोनों ही इसमें एससी फॉर्म में होते हैं। तो इस दवा के अंदर दो केमिकल का कॉम्बिनेशन होने के कारण यह दवा बहुत ही पावरफुल हो जाती है और किसी भी फसल के अंदर इस दवा को यदि आप लगाते हैं तो फसल के अंदर मौजूद जितने भी कीटे मकोड़े हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे और जो आपकी फसल है वो अच्छे से ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगी। तो आप इस दवा का प्रयोग अवश्य करें। दोस्तों बात करें इस दवा का प्रयोग हमें किस प्रकार से करना चाहिए, तो आपको प्रति एकड़ 300 ml 200 लीटर पानी में घोलकर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस दवा का प्रयोग करने से पहले खेत में अच्छे प्रकार से नमी होनी चाहिए, जब भी आपको इस दवा के अच्छे और शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इस दवा के स्प्रे को आपको रेगुलर प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि आज आपने स्प्रे किया तो 20 से 25 दिन बाद इस दवा का स्प्रे करना चाहिए, जिससे कि जो फसल के अंदर मौजूद कीड़े हैं वो समय समय पर खत्म होते रहें और फसल के अंदर कीड़े मकोड़े नहीं होंगे तो आपकी जो फसल है वो बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेगी और जो गन्ने की फसल में आपने इस दवा का प्रयोग किया है उस गन्ने की फसल है वो आपके जो गन्ने हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के आएंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जवान जय किसान।